कहते हैं कि पंचामृत में अगर तुलसी की पत्तियां डाल दी जाएं और नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो बीमारियां आपके पास नहीं फटकेंगी और आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। आयुर्वेद में पंचामृत को दिव्य औषधि बताया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पंचामृत तो कैसे ग्रहण किया जाता है और इसके क्या नियम और सावधानियां हैं, चलिए जानते हैं। पूजा पाठ हो या कोई शुभ अवसर, प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग में लगने वाले पंचामृत की बात ही निराली है। आइए जानते हैं पंचामृत के प्रयोग की सही विधि, जिसे अपनाकर आप पंचामृत को वाकई अमृत तुल्य बना सकते हैं। पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त के पूर्व करने का विधान है। पंचामृत आप जिस दिन बनाएं उसी दिन खत्म कर दें। अगले दिन के लिए पंचामृत नहीं रखना चाहिए। पंचामृत कम मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में एक या तीन चम्मच ही लेना चाहिए। पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ग्रहण करें। इस समय अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे सटा कर रखें। इसी से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। भारतीय सभ्यता में पंचामृत का जो महत्व बताया गया है वह यह है कि श्रद्धा पूर्वक पंचामृत का पान करने से एवं पंचामृत का पान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो पंचामृत अपने आप में अतुलनीय है, लेकिन अगर संभव हो तो पंचामृत चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। कहते हैं कि चांदी के पात्र में रखा पंचामृत अनेकों बीमारियों को हर सकता है। इसमें मिले तुलसी के पत्ते इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसे इस्तेमाल करने के नियम और सावधानियां। दूध के लिए गाय के दूध का प्रयोग करें। पंचामृत बन जाने के बाद इसमें तुलसी दल और गंगा जल भी डालें। अगर शालिग्राम है तो उसे पंचामृत में स्नान कराएं, अन्यथा एक चांदी का सिक्का डालें। अब श्री हरि को स्मरण करके पंचामृत ग्रहण करें। पंचामृत दोनों हाथों से ग्रहण करें। इसको भूमि पर न गिरने दें। ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से शिखा को स्पर्श करें। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की जो रोग व्याधि है उसका नाश हो जाता है। और जो व्यक्ति इस पंचामृत को पान करता है, ग्रहण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवती की कृपा एवं भगवान श्री नारायण की कृपा, हरि की कृपा अवश्य ही उस मनुष्य के ऊपर होते रहती है। पंचामृत देवताओं को अर्पित सबसे खास भोग माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में पंचामृत को गुणों की खान बताया गया है, जिसके सेवन से शरीर निरोगी हो जाता है। आयुर्वेद दावा करता है कि पंचामृत पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती। पंचामृत से कम समय में शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पंचामृत के सेवन से शरीर सेहतमंद रहता है। इसमें तुलसी का एक पत्ता डालकर इसका नियमित सेवन करते रहने से किसी भी तरह का रोग नहीं होता। पंचामृत के सेवन से संक्रामक रोग दूर रहते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इससे चेहरे की रंगत निखरती है। इसको चढ़ाने से हमारे जो पंच देवों हैं उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, आदिशक्ति माता की कृपा प्राप्त होती है, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। निरोगी काया के लिए और संपदा के लिए और जीवन में अस्थायित्व एवं विघ्न नाश के लिए अगर हम पंचामृत को चढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं और हमारा जीवन सफल होता है, ज्ञानवान होता है, पुण्यदायक होता है। कहते हैं श्रद्धा पूर्वक पंचामृत का पान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
माना जाता है कि भगवान को चढ़ाए हुए पंचामृत पीने से मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में चरणामृत को श्रीहरि के चरणों का फल माना गया है। इसे अमृत के समान गुणों वाला बताया गया है। एक श्लोक के माध्यम से चरणामृत की महिमा को जाना जा सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुदोतकम पित्वा पुनर्जनम न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। पंचामृत पान करने से, पंचामृत को ग्रहण करने से, जो पंचामृत भगवान को पंचामृत बनाने के बाद, स्नान कराने के बाद जो पंचामृत बचता है उसका पान करने से, शास्त्रों में आया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, इस चरणामृत को पान करने से, इस पंचामृत को पान करने से अकाल मृत्यु का जो भय है उससे मनुष्य निवृत्त हो जाता है। वह भय कभी भी मनुष्य को नहीं सताता है और अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती। आइए अब जानते हैं चरणामृत बनाने की सही विधि। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल ही रखा जाता है। माना जाता है कि तुलसी मिले जल वाला चरणामृत लेने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जब भी आप मंदिर या तीर्थ स्थल जाएंगे, सबसे पहले पुजारी आपको प्रभु का चरणामृत देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि प्रभु के चरणों का जल सभी सांसारिक दुखों का विनाश करता है। चरणामृत से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि में 3 लोक मांग लिए। पहले पग में उन्होंने नीचे से लोक नाप लिए और दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के सभी लोक नाप लिए, और जैसे ही उनका पग ब्रह्मलोक में गया तब ब्रह्मा जी ने वामन रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने जल को चरणामृत नाम दिया। रामायण में भी केवट प्रसंग में चरणामृत की महिमा बताई गई है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करता है और परिवार, कुल एवं पितरों को भाव पार करवा देता है, यही वजह है कि श्रद्धालु चरणामृत को बड़े श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कहते हैं चरणामृत का सेवन करने से शरीर की कई व्याधियां दूर हो जाती हैं।